अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोगों के साथ बहुत ही मज़ेदार से करारे से आलू मटर चावलों की रेसिपी लेकर आई हूं। उम्मीद है कि ये आपको रेसिपी बहुत ज़्यादा पसंद आने वाली है। मैंने ली है पतीले के अंदर एक प्याली से कम मैंने घी ऐड किया है और 4 से 5 अदद मैंने इसके अंदर लौंग ऐड किए हैं। फ्लेम को मैंने हाई ही रखा हुआ है और इसको फ्लेम हाई पे तकरीबन 1 से 2 मिनट तक पकाऊंगी। मैंने इसके अंदर 2 अदद बड़ी इलायची डाल ली है और मैंने इसको ज़्यादा नहीं पकाना, जस्ट 1 से 2 मिनट तक पकाऊंगी इसको और इसके बाद मैंने इसके अंदर प्याज ऐड करना है। और फ्रेंड्स, जो मेरे इस चैनल पर नए हैं वो काइंडली इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ ही साथ बेल आइकन पर क्लिक कर दें ताकि मेरी हर आने वाली मज़ेदार सी रेसिपीज़ की वीडियो आप तक पहुँच सके। चलिए जी, मैंने प्याज ऐड कर दी है। प्याज मैंने 2 अदद मैंने से इसके प्याज लिए हैं वो मैंने इसके अंदर ऐड किए हैं। प्याज को मैंने तकरीबन इतना पकाना है कि प्याज लाइट गोल्डन ब्राउन हो जाए। प्याज को हमने बहुत ज़्यादा भी फ्राई नहीं करना है। फ्लेम को मैंने हाई ही रखा हुआ है। हम शुरू से लेकर एंड तक फ्लेम को हाई ही रखेंगे। मैंने कहीं पे फ्लेम मीडियम या लो नहीं किया हुआ। हमारे यहाँ पे तो गैस का बहुत ज़्यादा इशू है, बहुत ज़्यादा कभी आती है कभी जाती है। वैसे मेरा ख्याल है आती नहीं है, ये तो मोज़ा योगर्ट आ जाती है, तो आज किस्मत से शायद आ रही थी तो मैंने कहा चलो इसी पे पका लेती। तो मैंने प्याज को गोल्डन ब्राउन होना शुरू हो गया है तो हमने इसको मज़ीद करेंगे क्योंकि प्याज बीच में काफ़ी ऐसा जो भी नहीं हुआ हुआ। चम्मच आपने चलाते जाना है क्योंकि जैसे ही लाइट गोल्डन में होना शुरू हो जाता है तो आपने इस पर चम्मच चलाना ताकि बहुत ज़्यादा कुछ बहुत ज़्यादा ब्राउन और कुछ बहुत ज़्यादा वाइट ना रह जाए, तो आपने चम्मच चलाते ही जाना है। प्याज हमारा काफ़ी हद तक गोल्डन ब्राउन हो चुका है। अब मैंने इसके अंदर ऐड करना है अदरक लहसुन का पेस्ट। मैंने तकरीबन 1.5 खाने का चम्मच मैंने इसके अंदर अदरक लहसुन का पेस्ट, मेरा बहुत ज़्यादा लिक्विड वाला है तो मैंने इस वजह से मैंने इसके अंदर 1.5 ऐड किया। अगर आपका लिक्विड वाला नहीं है तो आपने जस्ट 1 ही खाने का चम्मच इसके अंदर ऐड करना है। प्याज अगर अच्छे से ब्राउन ना हो तो चावलों में रंग नहीं आता क्योंकि चावलों में कलर उसका जायका सिर्फ प्याज की वजह से, क्योंकि प्याज का जो फर्स्ट स्टेप ही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अगर वही सही नहीं होगा तो चावलों का जायका और रंग नहीं होगा। तो जो तकरीबन अदरक लहसुन को है मैंने तकरीबन 1 से 2 मिनट तक हाई फ्लेम पर मैंने पका लिया। अब मैंने इसके अंदर ऐड करने हैं मटर। एक बाउल के करीब मैंने इसके अंदर मटर लिए हैं। मैंने तकरीबन मटर को हाई फ्लेम पे तकरीबन 3 से 4 मिनट तक मैं पकाऊंगी। मैंने फ्लेम जस्ट प्याज ज़्यादा डार्क ब्राउन ना हो तो इसी वजह से मैंने बस लो किया था, इससे ज़्यादा मैंने अब फ्लेम कहीं पे भी लो नहीं करना। मैंने सारा प्रोसीजर हाई फ्लेम पे ही करना है क्योंकि खुशकिस्मती से हमारी गैस आ रही है तो मैंने कहा चलो फटाफट से पका लो इसी के ऊपर ही, क्योंकि सिलेंडर पर तो खाने का कुछ जायका ही नहीं होता। तो बस इसी वजह से आज तो मुझे खुद भी समझ नहीं आ रही थी कि आज कहाँ से गैस आ रही है हमारे घर में। तो तकरीबन मटरों को 3 से 4 मिनट हो चुके हैं। अब मैंने इसके अंदर ऐड करने हैं आलू। आलू को भी बिल्कुल इसी तरीके से मैं हाई फ्लेम पे 4 से 5 मिनट तक मैं इसी तरीके से पकाऊंगी। फिर मैंने इसके अंदर स्पाइसेस ऐड करना शुरू करूंगी कि मैं इसमें बताऊंगी कि सॉसेस में क्या क्या ऐड करेंगे और मसाले में हम इसके अंदर क्या क्या ऐड करें। बहुत सिंपल मसाले हैं, सब घर के मसाले, कुछ ऐसा मसाला नहीं जो फ्लेवरफुल के लिए हम इस्तेमाल करें, कुछ भी ऐसा नहीं हम इसके अंदर इस्तेमाल करें। सबसे पहले मैंने इसके अंदर सॉस में ऐड किया है विनीगर। विनीगर यानी कि सिरका। सिरका मैंने 2 खाने के चम्मच ऐड करूँगी। 2 खाने के चम्मच सिरका ऐड करने के बाद मैंने इसके अंदर ऐड करना है 2 खाने के चम्मच यानी कि 2 टेबलस्पून मैंने इसके अंदर सोया सॉस मैंने इसके अंदर ऐड की है। और साथ ही मैंने इसके अंदर ऐड किया है 2 खाने के चम्मच चिली सॉस यानी कि 2 टेबलस्पून मैंने इसके अंदर चिली सॉस ऐड की है। अब मैं इसको मिक्स करूँगी। मिक्स करने के बाद मैंने इसके अंदर स्पाइसेस ऐड करने हैं। स्पाइसेस में मैंने 1 टेबलस्पून नमक ऐड किया, मैंने इसके अंदर 1 टेबलस्पून रेड चिली पाउडर एंड 1 टेबलस्पून टर्मेरिक और एंड 1 टेबलस्पून मैंने इसके अंदर चिली फ्लेक्स इसके अंदर ऐड की है। और इन सब मसालों को मैं बहुत ही अच्छे तरीके से भून लूँगा। अगर आप लोगों को स्पाइसी कम पसंद है तो आप इसके अंदर स्पाइसेस कम भी ऐड कर सकते हैं। मुझे स्पाइसी बहुत ज़्यादा पसंद है, इस वजह से मैंने स्पाइसी ज़्यादा चीज़ें ऐड की हैं। तो मैंने इस वजह से अब मैंने इसके अंदर ऐड करना है टमाटर का पेस्ट। इसके अंदर मैंने लिए हैं 3 से 4 अदद टमाटर और 4 से 5 अदद हरी मिर्चें ली हैं, उसका मैंने पेस्ट बना लिया है, मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया। अब मैंने इसकी करनी है भुनाई। फ्लेम हाई ही है, मैंने फ्लेम लो बिल्कुल भी नहीं किया। अब मैंने इसके अंदर ऐड करना है 1 टीस्पून चिकन पाउडर। अगर आपके पास चिकन क्यूब भी है तो आप वो भी ऐड कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। हाई फ्लेम पे मैंने इसकी बहुत ही अच्छे तरीके से इसकी भुनाई करनी है जाके मसालों में जो कच्चापन है वो ख़त्म हो जाए।
जैसे ही जो हमारा मसाला है वो अच्छे तरीके से भून जाएगा तो मैंने इसके अंदर तब जाके मैंने इसके अंदर पानी ऐड करूँगी। पानी में इस कंडीशन में इस वजह से ऐड करूँगी ताकि जो हमारी सब्ज़ी हैं वो अच्छे तरीके से गल जाएँ। तकरीबन मैंने पानी इतना ऐड करूँगी ताकि जिसमें हमारी सब्ज़ियाँ भी अच्छे तरीके से गल जाएँ और साथ इतना पानी भी रह जाए जिसमें हम चावल भी बॉयल कर लें। तो मैंने तकरीबन अभी इतना ही पानी डाला है जिसमें हमारी सब्ज़ियाँ अच्छे तरीके से गल जाएंगी। तो मैंने हाई फ्लेम पे बहुत ही अच्छे तरीके से मैंने सब्ज़ियों को पका लेना क्योंकि इनकी भुनाई मैंने बहुत अच्छे तरीके से की है। अब बस जैसे ही गल जाएंगे तकरीबन इनको गलने में 10 मिनट लगेंगे, 10 मिनट तक हमारी सब्ज़ियाँ बहुत ही अच्छे तरीके से गल जाएंगी। जो हमारे मटर हैं वो तकरीबन काफ़ी हद तक थोड़ी थोड़े से बस कच्चे हैं, थोड़े थोड़े से, ज़्यादा नहीं, थोड़े बहुत हमारे जो मटर हैं वो कच्चे, इसलिए हम तकरीबन मज़ीद 3 से 4 मिनट तक मज़ीद इसको पकाएंगे हाई फ्लेम पे। फिर मैं इसको बाद बताती हूँ कि इसके बाद आपने क्या करना है। हमारे जो मटर और आलू हैं वो अच्छे तरीके से गल चुके हैं क्योंकि यहाँ पे फिर से चली गई है गैस, इसलिए मैंने शिफ्टिंग कर दी दोबारा से सिलेंडर वाले चूल्हे के ऊपर। तो हमारे जो मटर हैं वो और आलू अच्छे तरीके से गल चुके हैं। मैंने इसके अंदर अब ऐड कर दिए हैं चावल। चावलों को मैंने तकरीबन 2 से 3 घंटे तक मैंने अच्छे तरीके से भिगो के रखे हुए थे और अब मुझे पानी थोड़ा कम लग रहा है तो मैंने पानी इसके अंदर मज़ीद ऐड करूँगी क्योंकि पानी चावल काफ़ी ज़्यादा क्वांटिटी में है और पानी कम लग रहा है। पानी चेक करने के बाद मैंने इसके अंदर नमक ऐड करना है क्योंकि नमक मैंने कम डाला था पहले, तकरीबन 1/2 खाने का चम्मच मैंने इसके अंदर नमक मज़ीद इसके अंदर ऐड किया है और मैं इसको नमक को मिक्स कर लूँगी। इसके बाद मैंने इसके अंदर ऐड किया लास्ट में स्पाइसेस ने ऐड किया है गर्म मसाला, सिर्फ 1 चाय का चम्मच मैंने इसके अंदर गर्म मसाला ऐड किया है और अब मैंने इसको हाई फ्लेम पे पकने देना है जब तक कि चावलों का जो पानी है वो थोड़ा सा ड्राई ना हो जाए। जैसे ही हमारे चावल नज़र आने शुरू हो जाएंगे तो फ्लेम को मैंने कर देना है लो ताकि ये चावल अच्छे तरीके से गल जाएं। तो चावल हमारे नज़र आने शुरू हो गए हैं तो मैंने इस फ्लेम को कर देना है लो। फ्लेम को लो करके मैंने इसे कवर अप कर देना है तकरीबन 10 मिनट तक के लिए मैंने इसे दम लगा देना है ताकि चावल हमारे अच्छे तरीके से पक जाएँ। लास्ट में मैंने इसके अंदर ऐड किया है फूड कलर। फूड कलर जो खाने की खूबसूरती है वो बहुत ज़्यादा बढ़ा देता है। जैसे खाने में तो अच्छे होते हैं पर लुक वाइज भी अच्छे होने चाहिए, लुक वाइज बहुत ज़्यादा इससे अच्छे लगते हैं, प्रेजेंट अच्छे होते हैं ये। अब मैं मज़ीद इसको 3-4 मिनट तक मैं इसे दम पर लगा दूँगी। 3-4 मिनट फाइनली हमारे हो चुके हैं और चावल हमारे हो चुके हैं रेडी, मज़ेदार से करारे से चावल हमारे रेडी हो चुके हैं। उम्मीद है कि ये आपको मेरी वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। इंशाल्लाह आपके साथ फिर मुलाकात होगी एक नई रेसिपी के साथ और एक नए जायके के साथ। तब तक के लिए रिमशा को दे इजाज़त, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा और दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।